नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोठारी आयोग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह आपका डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रश्न संभावित हैं। हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए, इसलिए इसे आप लोग अंत तक देखें। व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण के उद्देश्य से 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर डीएस कोठारी थे। कोठारी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस कोठारी, गठन 1964 में। उद्देश्य व्यापक शिक्षा नीति। व्यापक नाम से ही पता चलता है कि बहुत बड़ा, जिसमें विद्यालय शिक्षा संबंधित हो, तकनीकी शिक्षा से संबंधित हो, कृषि शिक्षा से संबंधित हो, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित हो, यानी जितने तरह के शिक्षा के विभाग हैं, सभी शिक्षा के विभाग को एक साथ मिलाकर नीति निर्माण के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में, इसका अध्यक्ष डॉक्टर डीएस कोठारी। इसका व्यापक उद्देश्य था शिक्षा के विकास में स्तरों व पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत देना। बहुत सारा स्तर होता है, बहुत सारा पक्ष होता है शिक्षा का। उन सभी पक्षों, सभी स्तरों के लिए सामान्य सिद्धांत देना था। स्तर मतलब प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, यह स्तर हो गया। पक्ष विद्यालय, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ये सभी को एक सामान्य सिद्धांत देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। शिक्षा को राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना था, यानी ये उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय रूपरेखा कैसा हो, किस तरह का पाठ्यक्रम हो, किस तरह का पाठ्यपुस्तक हो, इसका क्या कार्यान्वयन करने हेतु कौन सा संगठन हो, इन सभी चीज़ों पर कोठारी आयोग का अपना सलाह देना था। यह शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, जैसे विद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, IIT, ITI वगैरह, कृषि शिक्षा के लिए सात कार्यबल का निर्माण किया गया। अपना इन्होंने रिपोर्ट देने के लिए सात तरह का टास्क फोर्स बनाया और सभी का अलग अलग कार्य दिया, और सभी के कार्यों के आधार पर फिर इन सातों के रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट बनाया गया। सात टास्क फोर्स, सातों का अलग अलग कार्य, सातों का अलग अलग रिपोर्ट आया, और फिर ये सातों को मिला करके कोठारी आयोग ने अपना संस्तुति दिया। इन सात कार्य समूह के रिपोर्ट के आधार पर कोठारी आयोग ने अपना प्रस्ताव दिया। इसके अनुसार शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का तथा विकास में सरकार के साथ लोगों के साझेदारी का एक मुख्य साधन है। इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा एक साधन है, शिक्षा एक माध्यम है, शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं, समाज एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, विकास में शिक्षा सहायक है। इन्होंने बताया सामाजिक पुनर्निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विकास में सरकार के साथ लोगों के साझेदारी का एक मुख्य साधन शिक्षा है। आयोग का प्रस्ताव था कि लोगों को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनना चाहिए, सभी लोग राष्ट्रीय विकास में अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए, ये इस आयोग का अपना प्रस्ताव था। इसके निम्नलिखित संस्तुतियाँ थी, हम इसे पॉइंट 1, 2, 3 करके देख रहे हैं। 1 के अंदर फिर इतने इस तरह से इसके कौन कौन संस्तुतियाँ थी। पहला नंबर, उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा। देखिए उत्पादकता,
मतलब प्रोडक्ट उत्पादन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या शिक्षा में हमको फेरबदल करना है, क्या क्या नयापन लाना है, क्या क्या जोड़ना है, इसके लिए इन्होंने अपना संस्तुतिया दिया। सबसे पहला शिक्षा विज्ञान पर आधारित हो, जो शिक्षा वर्तमान शिक्षा पद्धति होगी यह विज्ञान पर आधारित होगी, अर्थात बच्चों में वैज्ञानिकता का गुण जाएगा और तरह तरह के लोग नया नया आविष्कार करेंगे, नया नया शोध करेंगे, जिससे हमारा देश विकास होगा। ये इनकी पहली संस्तुति थी। उद्योग के बढ़ावा के लिए शिक्षा होना चाहिए, देश का विकास उद्योगों के विकास से होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि उद्योग के बढ़ावा के लिए ऐसा शिक्षा या ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे उद्योग धंधे को बढ़ावा मिले, कृषि को बढ़ावा मिले, उत्पादन वृद्धि के लिए शिक्षा, यानी कृषि में उत्पादन, कृषि में क्या क्या हम चेंजिंग करेंगे, क्या क्या नयापन लाएंगे जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाए, इसके बारे में ये संस्तुति किया गया। विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर वैज्ञानिक लोग शोध करें, शोध करके नया नया विषय नया नया चीज़ों का आविष्कार करें, जिससे मेरा देश विकास की ओर जाएगा। ये इनकी पहली संस्कृति थी। दूसरा था आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा। सभी देश आधुनिकता की ओर जा रहा है, हम पिछड़े क्यों रहें, इसके लिए हमें भी आधुनिकीकरण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि अध्यापन की नई विधि को अपनाना है, पुराने विधियों को छोड़िए और नया विधि को अपनाइए, आधुनिकीकरण हेतु नए पाठ्यक्रम को लाना है, जो पाठ्यक्रम है किताब है उसमें ऐसे ऐसे पाठ को लाइए जिससे लोग नएपन की ओर जाएं, नए युग की ओर जाएं, ऐसा इन्होंने अपना संस्कृति दिया। सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए क्या क्या इन्होंने कहा, हिंदी को तेज़ी से समृद्ध करने का प्रयास होना चाहिए, चूँकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है, ये हर जगह जब हिंदी लोग बोलेंगे सब में अपनत्व की होगा, अपनत्व की भावना बढ़ेगा, इसलिए इन्होंने हिंदी को तेज़ी से बढ़ाने का अपना संस्कृति दिया। राष्ट्रीय एकता वाले पाठ को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, राष्ट्रीय एकता वाला पाठ कौन कौन सा हो सकता है, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय चिन्ह, ये राष्ट्रीय धरोहर, इन सभी चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया। विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन में भागीदारी का प्रयास करना, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को सामाजिक जीवन में भागीदार होना चाहिए, इससे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इन्होंने विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन में भागीदारी का प्रयास करने हेतु अपना प्रस्ताव दिया। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्वेशन के लिए शिक्षा, जो राष्ट्रीय मूल्य है वो बच्चों में कैसे समाहित होगा, बच्चों में कैसे वृद्धि होगा, इसके लिए भी इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया। इसके अनुसार नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को सम्मिलित करना है, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सामाजिक मूल्य जो होता है कर्तव्य दायित्व, आध्यात्मिक मूल्य जो है, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य पुस्तकों में उचित स्थान देना है। विश्व के सभी धर्मों को पाठ्य पुस्तक में जोड़ना है, चूँकि सभी को सभी धर्म के बारे में जानना चाहिए, जिससे लोग राष्ट्रीय एकता को बनाए रख सकते हैं। ये इनका आगे है। आयोग ने सार्वजनिक शिक्षा की एक सामूहिक विद्यालय प्रणाली का समर्थन किया। सामूहिक विद्यालय प्रणाली, सामूहिक विद्यालय प्रणाली मतलब जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समाज स्थिति के लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे, चाहे वो किसी भी
जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी सामाजिक स्थिति के छात्र हो, एक साथ मिलकर के और सामूहिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, इनका ये सुझाव था। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा, माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दिया जा सकता है। इस आयोग के प्रस्ताव के अनुसार भारत में शिक्षा दिया जा रहा है, फिर भी वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा कोठारी आयोग पर कुछ बातें थी, इसके पॉइंट्स को आप लोग भी लिख लें और इसे एक दो बार पढ़ें, जिससे आपको भी याद हो जाए। इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है। दोस्तों, प्रतिदिन के अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए या फिर स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप समूह में आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप अपना नाम और विद्यालय का पता मेरे व्हाट्सएप पर भेजें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।